Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा की लड़ाका कुवत के एक तिहाई हिस्से में आइंदा 5 सालों में कलीदी अपग्रेड की जाएगी, कौमी महकमा दिफा ने वाजिया कर दिया। कंजर्वेटिव के सवाल पर हुकूमत ने एक तहरीरी जवाब अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। टोरंटो और पील रीजन में लॉकडाउन ज्यादा असरअंदाज साबित नहीं हो सका, ऑन्टेरियो हुकूमत ने नई मॉडलिंग जारी कर दी। अगर लॉकडाउन के इकदाम को वापस लिया गया तो मजबूत केसेस की शराह बढ़ जाएगी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,42,069 हो गई, जबकि हलाकतें 13,000 तक जा पहुंची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,07,85,317 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 15,89,742 हो गई। बाइडन और हैरिस को टाइम मैगजीन ने साल की बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। मैगजीन के एडिटर इन चीफ लिखते हैं कि अमरीकी तारीख को बदलने के लिए जाहिर करना के एहसास रखने वाले तकसीम करने वालों से बेहतर हैं। अमेरिका में नमूदार होकर गायब होने वाला पुरइसरार धाती ढांचा पोलैंड में नजर आ गया। वारसा में दरिया किनारे एक शख्स को वर्जिश करते हुए धात से बना 10 फीट लंबा तिकोनी सतून नजर आया। अमरीकी मुसन्निफा को मौत के बाद ब्रांड एम्बेसडर की पेशकश करने वाला ब्रांड मजाक बन गया। ब्रांड की बेखबरी पर सख्त अफसोस का इजहार किया गया। सलमान खान अपनी नई फिल्म में कैसे दिखाई देंगे, फिल्म के सीन की एक झलक सामने आ गई। अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तानी ड्रामे में जरूर काम करूंगा, अर्तुगरुल गाजी कहते हैं मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम मुझसे प्यार करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला ग्रीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। कनेडियन हुकूमत का कहना है कि जंगजू तैयारों की कौमी फजाइया में शमूलियत को जारी रखा जाएगा, तहम इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया से खरीदे गए 7 F-18 लड़ाका तैयारों में से सिर्फ 3 को ही फिजाया में जम किया है। इस हवाले से महकमा दिफा का कहना है कि कनाडा के लड़ाका कुव्वत के एक तिहाई हिस्से में आइंदा 5 सालों में कलीदी अपग्रेड की जाएगी। इस हवाले से कंजर्वेटिव के सवालात पर हुकूमत ने एक तहरीरी जवाब हाल ही में अरकान पार्लियामेंट के सामने पेश किया, जिसमें कहा गया कि जंगजू तैयारों की कनाडा की फिजाया में शमूलियत को जारी रखेंगे, लेकिन इस तनाजर में कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। हुकूमत का कहना है कि मौजूदा 36 F-18 तैयारों को अपग्रेड किया जाएगा और फिजाइया ने भी इसका फैसला कर लिया है। इसके अलावा इंजीनियर्स को अभी भी पुराने एयरफ्रेम के साथ नए आलात को जोड़ने में शामिल रुकावटों को दूर करने की जरूरत है। दस्तावेज के मुताबिक इस प्रोग्राम पर $1.9 बिलियन लागत आएगी। अपोजिशन की जानिब से इस पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। नई मॉडलिंग में ये बात सामने आई है कि टोरंटो पील रीजन में लॉकडाउन ज्यादा मौसर साबित नहीं हो रहा। जिस तरह कोरोना वायरस के पेश नजर आखिरी मरतबा किया जाने वाला लॉकडाउन मौसर साबित हुआ था, इस हवाले से मजीद जानते हैं।
नई मॉडलिंग में ये बात सामने आई है कि टोरंटो पील रीजन में लॉकडाउन ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रहा। जिस तरह कोरोना वायरस के पेश नज़र आखिरी मरतबा किया जाने वाला लॉकडाउन मौसर साबित हुआ था। ओंटेरियो हुकूमत की तरफ से जारी करदा नई मॉडलिंग के मुताबिक टोरंटो और पील रीजन में मौजूदा लॉकडाउन के इकदाम कोविड 19 के फैलाव को रोकने में असरअंदाज साबित नहीं हो रहे हैं। हुकूमत ने बताया कि ये महसूस किया गया है कि टोरंटो और पील रीजन में लॉकडाउन नकल व हरकत और राब्तों पर इस तरह कामयाब नहीं हो सका जिस तरह गुज़िश्ता मार्च में हुआ था। हुकूमत का कहना था कि अगर लॉकडाउन के इकदाम को वापस लिया गया तो सूबे में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ सकती है क्योंकि मौजूदा पाबंदियों के बावजूद नकल व हरकत में कमी वाकई नहीं हो रही। कनाडा भर में कोरोना वायरस हलाकतों की तादाद 13,109 हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कनाडा भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,42,069 हो गई। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 13,109 हो गई है। क्यूबैक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद 1,58,310 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 7,382 तक पहुंच चुकी है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,34,783 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 3,871 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 75,054 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 666 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 40,060 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 587 है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला 33 करोड़ से ज्यादा आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,99,692 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,07,85,317 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 15,89,742 हो गई, जबकि 4,92,46,230 कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,99,692 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 1,60,39,393 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहाँ इससे 1,42,222 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 97,96,992 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहां ये जानलेवा वायरस 1,79,801 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 67,83,543 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 45,893 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 25,97,711 हो चुकी है। फ्रांस में कोरोना वायरस की वबा से मजमुई अमवात 56,940 हो चुकी हैं, जहां इसके अब तक कुल केसेस 23,37,966 रिपोर्ट हुए हैं। इटली में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 62,626 हो गई, जबकि इसके कुल केसेस 17,87,147 हो गए। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,012 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,59,415 तक जा पहुँची है। मशहूर अमरीकी जरीदे टाइम मैगजीन ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन और उनकी नायब कमला हैरिस को साल 2020 की बेहतरीन शख्सियात करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 1927 से हर साल बाकायदगी से बेहतरीन शख्सियत का इंतखाब करने वाले टाइम मैगजीन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जारी बयान में कहा गया है कि सरे वर्क पर बाइडन हैरिस का मुश्तरका टिकट कुछ तारीखी शनाख्त जाहिर करता है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों 3 फाइनलिस्ट को शिकस्त देकर अपना नाम सरे वर्क पर छपवाने में कामयाब रहे। बाइडन और हैरिस की जोड़ी ने अमरीका में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर जंग लड़ने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर एंथोनी फाउची, द रोशल जस्टिस मूवमेंट और अमरीकी सदर
लीडर डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया। टाइम मैगजीन के एडिटर इन चीफ की जानिब से लिखे गए बयान में कहा गया है कि दुखी दुनिया में जख्म भरने का नजरिया देने पर जो बाइडन और कैमला हैरिस को मुश्तरका तौर पर टाइम मैगजीन की 2020 की बेहतरीन शख्सियत करार दिया गया। ख्याल रहे कि 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल है और मुतअद्दिद रियासतें जो बाइडन की फतह का ऐलान भी कर चुकी हैं। अमेरिका के एक शहर में पुरेसरार धाती ढांचे या सुतून के नजर आने और फिर गायब हो जाने का मामला हल नहीं हो सका। तहम अब तक ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नमूदार हो चुका है और इस बार ये पोलैंड में नजर आया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के एक सहरा में पुरअसरार धाती ढांचे या सतून के नजर आने और फिर गायब होने का मामला हल न हो सका। ताहम अब तक ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में नमूदार हो चुका है और इस बार ये पोलैंड में नजर आया है। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में दरिया के किनारे एक शख्स को वर्जिश करते हुए धात से बना 10 फीट लंबा तिकोनी सतून नजर आया। मुकामी हुकाम की जानिब से भी दरिया के किनारे एक पुरअसरार सतून की मौजूदगी की तस्दीक की गई है जिसे स्क्रू के जरिए नस्ब किया गया है, जबकि इसको लगाने की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है। ख्याल रहे कि ऐसा ही पुरअसरार धाती ढांचा गुज़िश्ता माह सबसे पहले अमरीकी रियासत योटा के जुनूब मशरकी इलाके में वाकिया दूर दराज सहरा में नजर आया था और फिर अचानक पुरअसरार तरीके से गायब हो गया था। एक बैन अलावामी कपड़ों का ब्रांड अनजहानी मुसन्फा को ब्रांड एम्बेसडर बनने की पेशकश करके सोशल मीडिया पर मजाक का निशाना बन गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बैन अलावामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मुसन्फा अरसला के लिए गोइन 2 साल कबल वफात पा चुकी हैं। वो अफसानवी कहानियां लिखने में खास मकाम रखती थीं, जबकि उनकी मुतादित किताबें भी शाया की जा चुकी हैं। उनकी मौत के बाद भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स फाल हैं जो उनकी टीम की जानिब से चलाए जा रहे हैं। उन्हीं मुतहरिक अकाउंट से धोखा खाकर कपड़ों के एक ब्रांड ने उन्हें खत लिख दिया और अपना ब्रांड एम्बेसडर बनने की पेशकश कर दी। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अरसला के अकाउंट से ये खत पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि हम अपनी नई कलेक्शन से आपको चंद मलबूसात देंगे ताकि आप उन्हें पहनकर अपनी तस्वीर बनाएं और हमारे ब्रांड की तशहीर करें। अकाउंट चलाने वाले ने यह तस्वीर पोस्ट करते हुए खत लिखने वाले को कहा, मुझे नहीं लगता कि जैसा आप चाहती हैं वैसा हो सकता है। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया सार्फीन ने ब्रांड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उनकी बेखबरी पर सख्त अफसोस का इजहार किया। बॉलीवुड लेजेंडरी अदाकार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने अपने ब्रदर निस्बती की फिल्म का एक छोटा सा सीन शेयर किया है जिसमें उन्हें सब्जी मार्केट की जानिब जाते हुए देखा जा सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लेजेंडरी अदाकार सलमान खान अपनी नई आने वाली फिल्म में कैसे दिखाई देंगे उसकी एक झलक सामने आ गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की नई फिल्म का नाम अंतम आखिरी सच जारी होगा जिसमें वो मुबैना तौर पर एक सिख पुलिस वाले का किरदार अदा करते दिखाई देंगे। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा ने अपने ब्रदर निस्बती की फिल्म का एक छोटा सा सीन शेयर किया है जिसमें उन्हें सब्जी मार्केट की जानिब जाते हुए देखा जा सकता है। अपनी इस पोस्ट में आयुष शर्मा ने लिखा कि अंतिम का आगाज हो चुका है, जबकि साथ में फिल्म से मुतालिक हैशटैग भी इस्तेमाल किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयुष शर्मा खुद भी अपने ब्रदर निस्बती के साथ इस फिल्म में अपने अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मरकजी किरदार एंजन अल्तान का कहना है कि अगर अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तान की ड्रामा सीरियल में जरूर काम करूंगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्की की ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के मशहूर अदाकार एंजन अल्तान का कहना था कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तानी आवाम मुझसे प्यार करते हैं और इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे की तारीफ की। एंजन अल्तान का कहना था कि अर्तुगरुल गाजी बहुत बड़ी ड्रामा सीरियल थी, ये एक इस्लामी स्टोरी थी जिसे पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया। अगर अच्छी कहानी मिली तो पाकिस्तान की ड्रामा सीरियल में जरूर काम करूंगा। पाकिस्तान के कुदरती हुसन की तारीफ करते हुए अदाकार का कहना था कि पाकिस्तान के कुदरती खूबसूरती से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन मेरा पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा है इसलिए ज्यादा सैर न कर सका। यहाँ के खाने बहुत लजीज हैं लेकिन मिर्चें ज्यादा हैं। मैंने कुछ नए प्रोजेक्ट से मुआहदे किए हैं। निजी टेक्सटाइल का ब्रांड एम्बेसडर बन रहा हूँ। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।